मैंने खास स्क्रीनिंग रखी है मेरे दोस्तों के लिए, इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए, एक्टरों के लिए, डायरेक्टरों के लिए, क्योंकि ये फिल्म जो है शिप ऑफ थीसियस जो बहुत जल्द रिलीज़ हो रही है, 19 को शायद रिलीज़ हो रही है, ये फिल्म किरण ने देखी थी बहुत पहले और इतनी उनको पसंद आई तो फिर उन्होंने मुझे दिखाई और फिर किरण ने फैसला किया, ये फिल्म को रिलीज़ नहीं मिल रही थी और ऐसी फिल्में आमतौर से मुश्किल से थिएटर तक पहुँच सकती हैं, लेकिन हम दोनों को लगा कि ये फिल्म ज़रूर लोगों को देखनी चाहिए और उनके सामने पेश होनी चाहिए और लोगों को मौका मिलना चाहिए, हिंदुस्तानी ऑडियंस को मौका मिलना चाहिए इतनी बेहतरीन फिल्म देखने का। मैं तो हर एक की ओपिनियन चाहूँगी। एक्चुअली ये सारे जो आए हैं हमारे जो हमारे मेहमान हैं सारे हमारे दोस्त भी हैं, तो मैं एक एक का की राय चाहूँगी के ओपिनियन चाहूँगी और उम्मीद ये है कि उनको अच्छी लगेगी फिल्म। नहीं, आई होप सो। आई थिंक ये पूरा श्रेय आई थिंक किरण और आमिर को जाना चाहिए कि दे सपोर्टिंग सच सिनेमा एंड यू नो फिल्म्स लाइक दिस जहाँ लोगों को जानकारी नहीं होती कि कैसी फिल्म है, यू नो इसमें कोई स्टार नहीं है, गाने नहीं है, तो ये ऑडियंस को कैसे उठाएगी। बट आई थिंक इस फिल्म में कहानी इतनी पावरफुल है, आई थिंक इस फिल्म की कहानी I think the film is a really, really special film that everyone should give it a chance and see. So I think that's why they're trying to raise awareness for it. I think एक बहुत अच्छी फिल्म है जिसको support कर रहे हैं आमिर और किरण, and it's a really it's good to support films which have such big meaning and are being appreciated in the world. तो मैं अपना support दिखाने आई हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी इवॉल्व हो रही है आजकल। देयर पीपल आर हंग्री, पीपल वांट न्यू काइंड्स ऑफ फिल्म्स, पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टैंडर्ड रन ऑफ द मिल थिंग्स, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, समथिंग अनयूजुअल। लोगों की एक्सपोजर भी बहुत बढ़ चुकी है आजकल, लोग फॉरेन इंटरनेशनल फिल्म देखने लगे हैं, सो आर ऑडियंस इज प्रिपेयर फॉर दैट। बहुत ज़्यादा जैसे कि प्रोमो से लगता है देखने में इसमें कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो हमारे लिए कुछ हमें सोचने को भी मजबूर करेगा, साथ में एंटरटेन भी करेगा। Yes, actually we've heard a lot of great things about it. So I'm actually really excited to be here, dying to watch it. बहुत तारीफ सुनी है, काफी praise, lot of praise for the director for the film. So yeah, hopefully we'll enjoy it. बहुत देता है इनफैक्ट जो मीनिंगफुल सिनेमा आमिर खान सपोर्ट करते हैं, चाहे वो क्यूँकी लाइव हो या फिर काफ़ी हटके जैसे फिल्म डेली बेली थी वो सपोर्ट किया, तारे ज़मीन पर, आई थिंक दिस इज ऑल्सो सिमिलर जॉनर, उसी जॉनर की फिल्म है जो काफ़ी अलग है, जो थिंकिंग ऑडियंस या फिर जो सिनेमा के लवर्स हैं वो देखना पसंद करेंगे। मैं बहुत बहुत ही उत्सुक हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि इतने सारे फिल्म मेकर, इतने सारे अभिनेता आज आए हैं फिल्म देखने के लिए और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनके सबके ओपिनियन सुनने के लिए, उनसे सुनने के लिए कि उनको फिल्म कैसी लगी। Ship of Theseus is a very good film and it has a lot of messages about a lot of things, and the most interesting part of the film is that it really gives really in-depth and deep messages about life. You know, this is a film which kind of shakes you from the soul. और ऐसा लगता है हम जो सिनेमा अभी तक बनाते आ रहे हैं वो इतना इनकॉन्सिक्वेंशियल है, इतना स्मॉल है, इसको इतना रियलिस्टिकली यानी मैं बोल नहीं सकता, आई थिंक पीपल हैव टू वॉच दिस फिल्म टू सी। भारी, बहुत भारी, बहुत भारी, बहुत अच्छा। बीइंग साइरस के बाद देख रहा हूँ, ऊंचा डायरेक्टर है अभी आने वाला, बोल ऊंचा, बोल बेड़ू बोल।